तो नई दिल्ली में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद रामनगरी अयोध्या में अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जुड़वा शहर में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार पर पुलिस दो वाहनों को चेक कर रही है। तो अयोध्या में प्रवेश करने वाले लोगों का आधार कार्ड परिचय पत्र देखने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। दरअसल अयोध्या के प्रमुख मंदिरों सहित रामलला की ओर जाने वाले सभी मार्गों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। सरयू तट समेत सभी भीड़भाड़ वाले जगहों पर सतर्कता बरती जा रही है। होटल और धर्मशालाओं में संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर यूपी के धर्मस्थल थे। वहीं अयोध्या COSP गौतम पुलिस के जवानों के साथ सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस दौरान अयोध्या COCP गौतम ने बताया कि अयोध्या के जो भी संवेदनशील चौराहे हैं वहां पर चेकिंग की जा रही है। आने वाले लोगों का आधार कार्ड देखकर ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि मंदिरों को लेकर व्यापक रूप से कार्य योजना बनाई गई है, उसी के तहत काम किया जा रहा है। तो अयोध्या में सघन चेकिंग अभियान चलाई गई है। तो कहीं ना कहीं नई दिल्ली में जो दो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अलर्ट पूरे अयोध्या में बढ़ा दिया गया है। श्री रामलला के ओर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों की गिरफ्तारी से कहीं एक खतरे की घंटी अयोध्या जैसे जो धार्मिक स्थल है उनको लेकर। के तहत जो है शहर के प्रमुख चौराहों पर जो संवेदनशील चौराहे हैं वहां पर चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। नहीं, उनके कारण जी कहाँ के वो नागरिक हैं, नागरिकता और उनका आधार कार्ड देके सत्यापित किया जा रहा है, और कोई वाहन है तो उसको निर्गत पास के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया उसी के तहत गुजारा जा रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या में मंदिरों की नगरी है, मंदिरों में भी इस प्रकार बड़ी सुरक्षा तैनात है। इस संबंध में व्यापक रूप से कार्य योजना बन चुकी है, उसी के तहत कार्य किया जा रहा है। हाँ, निकलने वाले संवेदनशील स्थानों पर प्रमुखता चेकिंग की जाती है और लगातार चलने वाली